हाय, दिस इज युक्ति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिंज क्रेविंग्स। क्रिसमस आने वाला है और क्रिसमस बिना प्लम केक के अधूरा है। परफेक्ट प्लम केक बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी कुछ प्रिपरेशन हम क्रिसमस से काफ़ी पहले स्टार्ट कर दें। और ऐसी ही कुछ प्रिपरेशन है ड्राई फ्रूट्स और नट्स की सोकिंग। प्लम केक बनाने के लिए हमें ड्राई फ्रूट्स और नट्स को बहुत पहले ही सोक कर देना चाहिए। अगर आप अल्कोहलिक प्लम केक बना रहे हैं तो लगभग एक महीने पहले ही आपको ड्राई फ्रूट्स और नट्स को अल्कोहल में सोक करना है। आप रम, ब्रैंडी, विस्की तीनों में से किसी भी चीज में इन ड्राई फ्रूट्स और नट्स को सोक कर सकते हैं। और अगर आप नॉन अल्कोहलिक प्लम केक बनाना चाहते हैं तो इन ड्राई फ्रूट्स और नट्स को हमें फ्रेश ऑरेंज जूस में सोक करना है। अगर आप ऑरेंज जूस में इन ड्राई फ्रूट्स और नट्स को सोक करना चाहते हैं तो आप 15 दिन पहले भी इन्हें जूस में सोक कर सकते हैं। और अगर आप इन्हें फ्रूट जूस में सोक करना भूल गए हैं तो आप कैसे इंस्टेंटली इन्हें सोक करके प्लम केक तैयार कर सकते हैं, वो टिप भी मैं आपको केक बनाते समय शेयर करूँगी। और बहुत ही जल्द हम सभी के साथ में प्रोफेशनल बेकर कार्तिका कोहली प्लम केक की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करेंगी। वो हमें नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक दोनों ही तरह से प्लम केक बनाना बताएंगी और साथ ही जो प्लम केक वो बताएंगे वो एगलेस होगा। तो इस यमी से दिखने वाले प्लम केक की रेसिपी के लिए मेरे चैनल बिंज क्रेविंग्स के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप तक मेरी हर एक नई रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो आइए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपने प्लम केक की प्रिपरेशन। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स और नट्स सोक कर सकते हैं। और आज मैं ले रही हूँ ड्राइड एप्रिकॉट, ब्लैक रेजिन्स, ड्राइड स्ट्रॉबेरी, पिस्ता, काजू, ड्राइड जिंजर कैंडी, क्रैनबेरीज और रेजिन्स। आप चाहें तो इसमें टूटी फ्रूटी, प्लम्स, प्रून्स, ड्राइड पाइनएप्पल वगैरह भी सोक कर सकते हैं। इन फ्रूट्स को सोक करने से पहले हम इन्हें चॉप करेंगे।